हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइज, राम सेतु का ट्रेलर आ गया है। और गाइज, ये ट्रेलर 2 मिनट 10 सेकंड का है, पर ट्रेलर देखने से ऐसा लगता है कि ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं गया ट्रेलर में। और जितना ज़्यादा अच्छा टीजर बना था, उतना ज़्यादा अच्छा ट्रेलर नहीं लगता है मुझे। और टीजर के कंपैरिजन में ट्रेलर बहुत शांत है, और टीजर एकदम थ्रिल था, कुछ ना कुछ में चल ही रहा था। और टीजर में बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखा दी गई थी, अगर ट्रेलर ना भी आता तो भी टीजर से काम चल सकता था। लेकिन गाइस, जो म्यूजिक है, बैकग्राउंड म्यूजिक, वो बहुत अच्छा लगता है। जो राम 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 बजता है तो वो चीज़ थोड़ी अच्छी लगती है। बैकग्राउंड म्यूजिक सीन्स पर पूरा मैच करता है। तो और गाइस, एक चीज़ मैं कहूँगा, जो VFX था वो थोड़ा मुझे बेकार लगा। एक जगह तो अक्षय कुमार समुद्र में चल रहे होते हैं, थोड़ा फेक लग रहा था। वो ऐसा लग रहा था कि वो पानी में चल रहे थे और जमीन थोड़ी और ज़्यादा नीचे थी। VFX की ज़्यादा जरूरत नहीं थी इस मूवी में, क्योंकि राम सेतु की स्टोरी जो बन रही है, अगर वो शूटिंग उसी जगह पे होती तो वो ज़्यादा अच्छा लगता और ज़्यादा खूबसूरत लगता। और गाइस, ये मूवी अक्षय कुमार की 5वीं मूवी है इस साल की। तो अगर गाइस ये मूवी नहीं चली तो अक्षय कुमार के कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ये चीज़ ये भी दिखाती है कि साल में 5-5 मूवी करने से कोई फायदा नहीं है, एक ही करो पर अच्छी और सॉलिड करो, जिससे लोग याद रखें। और ऐसा लगता है कि हर महीने कोई ना कोई मूवी अक्षय की आई जाती है। इससे पहले आई थी कठपुतली। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।